हेलो मित्रों, आज मैं बताऊंगा कि इंस्टाग्राम का जो मेटा एआई है कैसे उसे डिलीट करते हैं। मैं इसे सबसे पहले आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं मेटा एआई को डिलीट कैसे करते हैं। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। चलिए गाइज, मैं दिखाता हूं आपको मेटा एआई इंस्टाग्राम का कैसे डिलीट करते हैं। सबसे पहले इस पर आते हैं और इसे डिलीट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से आपको कैसे डिलीट करनी है। यहाँ पर तमाम तरह के मेटा एआई में ऑप्शन है, जैसे आप किसी का इमोजी लगाना चाहते हैं, कोई बाहरी इमेज फोटो लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से मेटा एआई का सिस्टम है जो आपको तत्काल प्रोवाइड कर देगा। इस तरह आपको तमाम तरह से ये मेटा एआई में सेटअप है। यहाँ पे आपको यहाँ से ओपन करना है, यहाँ पे लिख लेना है, कोई भी सर्च करके आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ मेटा एआई में आपका ऑप्शन आएगा, टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे टैग हो गए, आप यहाँ से ले सकते हैं, जो बाहरी से आप टैग नहीं ले सकते। यहाँ पे सर्च करेंगे टैग, आपको डिस्क्रिप्शन मेटा एआई खुद प्रोवाइड करता है। यहाँ से आपको प्रोवाइड करके आपको तमाम तरह से डेटा और ये टैग डिस्क्रिप्शन बहुत सारे यहाँ पे आपको सर्च बार में दे देता है। तो आपको यहाँ से बहुत इसका बढ़िया फंक्शन भी है, यहाँ से आप रख भी सकते हैं, अन्यथा आप चाह रहे हैं कि इसे डिलीट करना, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसे डिलीट कैसे करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली आपको फाइनली ऊपर वाला सेटअप को आपको डिलीट करना है, तो यहाँ से आपको इस पर जाना है, इसको टच करें। टच करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, देखिए यहाँ कई ऑप्शन दिया है, मेटा एआई सेटअप, ये सारे सेटअप यहाँ पे दिया है, तो बीच वाले यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट का, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑलरेडी डिलीट करके दिखाता हूँ, यहाँ से डिलीट आप कर सकते हैं। तो मैं इसे फाइनली डिलीट करता हूँ और देखिए मेरा डिलीट हो चुका है। डिलीट होने के बाद यहाँ से मेटा एआई अभी जाएगा नहीं, ऊपर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मेटा एआई अभी यहाँ पे है। तो इसको डिलीट करने के लिए आपको मैं एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जहाँ से आप इसको डिलीट परमानेंटली कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र में आपको ले चलता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, यहाँ से आपको प्ले स्टोर में पहले चलें, प्ले स्टोर में जाने के बाद इसको आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करनी है, यहाँ पे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लिख कर आपको सर्च करना है। तो इंस्टाग्राम लिखेंगे तो इस तरह इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। तो चलिए मेरा अपडेट अभी मांग रहा है तो मैं इसे अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद इसे फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से इसको फिर से सेटअप करनी है। चलिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है इसको अपडेट करने में, तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद आपको बताता हूँ कि आपको इसे डिलीट करनी है। तो यहाँ से आपको चले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पर आपको लिखना है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम यहाँ लिख के और वर्ल्ड वर्जन करके आपको सर्च करना है। चलिए मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख कर और वर्ल्ड वर्जन करके सेटअप करता हूँ। ये पहले से डेस्कटॉप पहले से खुला है, मैं न्यू टैब लेता हूँ और न्यू टैब लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम वर्ल्ड वर्जन करके यहाँ पर सर्च करना है। इंस्टाग्राम वर्ल्ड वर्जन जो ही लिखेंगे, इंस्टाग्राम वर्ल्ड वर्जन लिखेंगे तो आपके सामने सेटअप खुल के नया फंक्शन एक आएगा। चलिए थोड़ा नेट के प्रॉब्लम से स्लो चल रहा है। इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन, तो ओल्ड वर्जन देखिए यहाँ पे लिख के इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन देखिए यहाँ पे है, इसको ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो सर्च करेंगे तो इस तरह आपका सेटअप आएगा। इसमें आपको सेटअप कर लेनी है, यहाँ पे आपको ओल्ड वर्जन वाला सेटअप निकालना है। तो चलिए मैं इसको स्किप करके इसको टिक करता हूँ, यहाँ पे ओल्ड वर्जन आपको दिखाता हूँ कि चूंकि ओल्ड वर्जन ये मार्च वर्च में आया था तो मार्च में इसको पहले वाला ये देखिए मार्च वाला नहीं लेना है, बाकी सब यहाँ जनवरी अप्रैल अप्रैल और ऐसे करके है, तो इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें मेटा एआई नहीं आएगा। सो फाइनली यहाँ पे आप जनवरी फरवरी और मई का ले के इस पे ओल्ड वर्जन का आप इसे इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली ये मेटा एआई जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू टिक वाला, वो निकल कर ख़त्म हो जाएगा और आपका इंस्टाग्राम पहले जैसा दिखाई देगा। अगर इससे आप दिक्कत है तो आप इसे हटा भी सकते हैं, अन्यथा इसे आपके यूज में आता है मेटा एआई, तो एआई जो है बहुत बढ़िया फंक्शन है, लेकिन मेरे समझ से आपके समझ में अगर अच्छा नहीं है तो इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।